अफ्रीका में ऐसे ही होते हैं, वहां बंदे को खा जाते हैं। आज मैंने ये बिरयानी ली, मेरे इलाके से 70 रुपए की मिल रही है इधर कोरंगी से, सर तारिक रोड से मैंने ली थी 100 रुपए की, मेरे को एक पड़ी 110 रुपए की गौसिया वाले से, और अब वही मैं A1 वाले से कल मैंने पूछने गया तो मुझे 200 रुपए की उसने सादी बोली। हाँ वो अलबत्ता फुल प्लेट है, ये सिंगल प्लेट है, लेकिन फिर भी यार कितना डिफरेंस है। पहले इतना नहीं होता था, 10-20 रुपए का होता था, लेकिन अब होता है। कितना चेंज हो गई है दुनिया। बहरहाल एनीवे वेलकम टू माई गाइस, वेलकम टू माई चैनल वॉक कराची, जैसे मैं आपको खुश आमदीद। आज के दिन का आगाज़ करते हैं, 1:30 बज रहा है, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर पहुँचना है वैगन के अंदर, वैगन में बैठूँगा, बस में हूँ। यहाँ गर्मी है बट साथ साथ हवा भी चल रही है, तो मौसम तो बस सही है। बैग मैंने लटकाया हुआ, शर्ट मैंने अपनी आज ये लाइनों वाली पहनी है, खरीदेंगे, ख़रीदारी करने का सोचा है। देखिए आज अगर टाइम मिलता है 10 बजे छुट्टी हो, अगर पासली हुआ तो अरेंज हुआ, कोई बंदा हुआ साथ में, तो फिर चलेंगे जैनब मार्केट, वहाँ से शॉपिंग करेंगे। नहीं हुआ तो फिर नहीं, तो देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। और छतरी भी आपको दिखानी है खोल के, देखते हैं क्या क्या याद रहता है। इस बार शहीद मिलत रोड पे उतरा हूँ, बैग का मेरा पता नहीं ये किधर चला गया, पता नहीं क्या पोटरी हाथों के बनाए हुई जो होती है मिट्टी के बर्तन वो हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा तारिक रोड और फिर अपने ऑफिस के लिए देखता हूँ, बस पकड़ के जाता हूँ। टाइम कम है, सिर्फ 5 मिनट रह गए, 5 से 6 मिनट। साइड राइट ना अभी हो रहे हैं पूरे 1:55, 5 मिनट रहते हैं मुझे जाने में, 2 बजने में। शेव भी बनवानी है यार, ये शेव नहीं हो ना तो चेहरा ऐसा बड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा चेहरा छोटा हो तो फिर सही भी लगता है यार। बहरहाल आप भी बताइएगा कैसे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहुँचा ऑफिस, पसीने से मेरा हाल देख रहे हो आप। अब जाऊँगा मैं अपने इधर क्या कहते हैं 9th फ्लोर पे, यहाँ पे जाके थोड़ा वॉश करूँगा, क्योंकि ऊपर नहीं है, ऊपर ये सिस्टम नहीं है। उसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे, लाइव चैट पे लगा रहूँगा, फिर ब्रेक के टाइम ही मुलाकात होगी। अभी टाइम हो रहा है 2:10 से थोड़ा ऊपर हो गया, 10 मिनट लेट हो गया हूँ, देखते हैं क्या होता है यार। ब्रेक हो गई है, बड़ी हालत आज ख़राब हुई हुई, इतनी सारी चैटें आ रही थी आज, इतनी चैट्स कि बस क्या बताऊँ। ब्रेक है, आवाज़ भी दबी है, कुछ चाय खाएँ पिए, कोई ताकत आए। पूरी खाने आया हूँ, डिनर खा के आया हूँ मैं, वही अपना हल्का फुल्का डिनर में क्या था, 4 कचौरियाँ। मेरे जैसा लंबा चौड़ा बंदा बुखार से निकलने के बाद जो कि खाने का वैसी तरसीला, लेकिन ये गुजारा हो गया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था आगे। फिर थोड़ी सी गंदगी भी है, वो एक दो दफ़ा देख लो ना दिल भरा भाई, इसीलिए बारह चैट बड़ी लगी हुई थी। तारिक रोड का व्यू है, तारिक रोड पर बैठा हुआ मैं, ब्रेक के लिए निकला था, काफ़ी देर हो गई, 9:13 हो गए, देर तो नहीं हुई, ठीक है अभी भी टाइम है। तो कोई आया नहीं, जैद भी नहीं है, ऐसे अलग है, पूछना है कि कहाँ है, सवर करो पूछते हैं। उमेर आया हुआ है वापसी में, उमेर ही के साथ जाएंगे, उमेर के साथ जाने के बाद वापसी में तो फिर वही होगा मेरे साथ, तो शायद मेरा फिर जैना मार्केट नहीं जाना होगा, उसको भी जल्दी होगी, घर जा घर निकलने की करेंगे। बारह लेने हुए दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, इसको भी सेट करवाना है, इसको सेट करवाएंगे आज का। खैर बारह दिन बड़ा बिजी गुजरा है मेरा, इसी के साथ जो होगा वो ऑफिस जाके बाकी वी गोना टू कैप्चर ओवर दे। आज कोई दूसरा स्टार लगा हुआ, उस दिन ड्यूगा लगा था, आज कुछ और ही लगा हुआ भाई। सब्सक्राइब टू अभी क्योंकि कोई ऑफिस का सीनियर आपको बोले लगे लाओ जैसे अपना चैनल और मैं करूँ, अच्छा लग रहा है यार। टुडे आई एम फीलिंग गुड। और काम के बाद तकलीफ तो होती है, हर जॉब दूर से अच्छी लगती है। आप करने जाओगे आप बोलोगे कि यार इतनी सैलरी है, इतनी है, मजे होंगे। जब जाओगे तो फिर आपको पता है आपने काम नहीं सीखा होगा। जब काम सीख जाते हो तो प्रेशर तो होता है, प्रेशर लेना पड़ता है। ये नहीं कि सर में दर्द नहीं हो, मेरे जिस्म में दर्द नहीं हो, भाई इस्तेमाल करोगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो फिर आगे चल के सैलरी भी आएगी, मजा भी आएगा, फिर आपको काम करने में इज्जत होगी, आप आगे तरक्की करोगे। ये चीजें हैं, ये मैं अगर पहले कर लेता तो आज ये पहले ना होते, कुछ गलतियां अपनी भी हैं तो आपने नहीं करनी वो चीजें जो हमने करी, ठीक है। मैं क्या करूं सर, छुट्टी हो गई है, मेन चीज छुट्टी भाई, पता नहीं क्या एड्रेस पूछ रहे हैं। बहरहाल यही हम गपशप लगा रहे थे आपस के अंदर। हाँ लाला क्या होगा यार,
ज़्यादा क्या कर रहा वो मेयर के साथ जा रहा हूँ, एक लेट मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा, ये गलत है, ये सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि फिर गाड़ी नहीं मिलती है, तो खाना बाद में खा लेंगे, आज का नसीब नहीं था, छुट्टी है कल, कोई मंडे को मिले तो मिले। भाई देख रहे हो इसके ड्रामेबाजियाँ तुम लोग, ये लोग कराची जैसे इसकी समझ आती नहीं है, ये हमें भी पागल बना रहा होता, खुद भी पागल हो रहा होता है। गाइस को आज थोड़ा सा एक ही छुट्टी होती है। आज जासिल भी काफ़ी थके थके से लग रहे हैं यार, तो जासिल भाई की आज आवाज़ तो खैर मेरी नहीं निकल रही, आवाज़ तो कल से नहीं ऐड हुआ है। हाँ यार वो उनको देखो, उनको दो दोस्तों को बोल रहे हो यार। भाई क्या चल रहा है, आर्टिकल में सुना है, कैसे गुजारी है जिंदगी, नई जॉब कैसे चल रही है, बताएं। बहुत अच्छी चल रही है भाई, व्यूअर सुने जरा हमारे भाई की बात, बता क्यों शर्मा रहा है। बहुत अच्छी चल रही है, जाएगा फिर फिर मैं तो रोज मनाता हूँ भाई, तो भी सही कर इतना सही कर पक्का है ना, कहाँ जाएगा अभी, जाएंगे घर जाएंगे यार, अब तो आओ पूरी रख दो घर जाने दो, घर ही जाएंगे भाई, बिरयानी पुलाव साथ में हसन मेहर, ये सारी मैं खाने वाला हूँ, ये सारी आप लोग खाओगे या नहीं, ये सारी मैं खाने वाला हूँ, ये सारी मैं खाने वाला हूँ, तो आप लोग ने मंगा लो। सॉरी टू से गाइस, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भूमि है, दबस्ते खिला रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भूमि है, दबस्ते, अरे नहीं आप खा लो यार, हमें भी खा लो, आदम खोर तो नहीं हो रहे, अफ्रीका में ऐसे ही होते हैं, वहाँ बंदे को खा जाते हैं कुछ, मजाक कर रहा यार, जस्ट किडिंग। ओके गाइस क्या मसाले वाली वही है, कल वाली है, उन्हीं की जगह है, ओसिया वो क्या कहते हैं वो देखिए, ओसिया बिरयानी। ओके गाइस फिर खाना वाना खा के देन उमेर के साथ निकलूंगा, खैर हसन तो फिर चला जाएगा, ऑफ हो चुकी है, टाइम अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 10:32, क्योंकि अब हमारे 10 बजे ऑफ हो जाती है, आंखें लाल इसलिए हुई हैं, आपको पता है प्रेशर वाला काम है, इसमें आंखें लाल हो ही जाती हैं, एंड टाइम सबका यही हाल होता है, मैं तेरी भी आंखें लाल हो जाती है, लगन होती है ज़्यादा, खाना खा ले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, खुदाफिज करेंगे हसन को, स्पेशली आया था मुझसे मिलने के लिए, थैंक यू सो मच हसन, और राइट नाउ हम लोग खाना वाना ऐसे ही मिलने आया था, और मैर से भी और मुझसे मिलने आया था, बिल्कुल ऐसे ही, मेरा तो ऑयली स्किन है आपको पता है, यही ऑयली स्किन जो है गर्मियों की, राइट नाउ आई एम मूविंग विद उमेर, टाइम अभी हो रहा है 9:10, मैं और उमेर यहाँ पे बलूच कॉलोनी का फुल पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पेट्रोल के लिए फ्लैश पी रहे हैं, फ्लैश ऑर्डर किया है, कॉकटेल बोला है उमेर ने, और मैंने जो है वो ऑर्डर किया है ब्लूबेरी, ये है 120 रुपये का और कॉकटेल है 130 रुपये का लार्ज, क्योंकि ये दोनों तैयार हो गए पियेंगे मैं और उमेर, आई एम टेकिंग दिस फ्लैश, ओह खैर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है, बलूच कॉलोनी का क्या नाम है इसका, चिल लाइक करके है, खैर बहरहाल अभी तो दिखा नहीं सकते, खैर बहरहाल आज का व्लॉग यहीं रखते हैं, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, बाकी जो है इंशाल्लाह कल वैसी ही छुट्टी है, कल ऑफ है, बाकी मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।